हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यार मैं बहुत दिनों बाद सिटी के अंदर घूमने गया था और रास्ते में मेरे एक ट्रक वाले से टक्कर हो गई और उस ट्रक वाले ने मेरी गाड़ी का देखो पूरे धुएं निकाल दिए और इसमें तो काफ़ी ज़्यादा धुआं निकल रहा, तो इसे रिपेयरिंग करानी पड़ेगी। तो पहले हम चलते हैं कमरे के अंदर, टीवी वी देखते हैं, पहले देखते हैं क्या आ रहा है। अपना फेवरेट कार्टून आ रहा होगा तो मैं ऐसे टीवी को ऑन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखो, और यहाँ पर तो हमारा फेवरेट कार्टून डोरीमोन आ रहा है। यार काश मैं भी डोरीमोन से कभी मिल पाता। छोड़ो यार, हम कहाँ कभी डोरीमोन से मिल पाएंगे। तो मैं टीवी को बंद कर देता हूँ और चलते हैं। यार मैं सोच रहा था अपने कपड़े उपड़े चेंज करके कहीं घूमने के लिए जाया जाए। पहले मैं मौसम मौसम देख लेता हूँ कैसा हो रहा है आज का। आज का मौसम तो यार मुझे सही लग रहा है, लेकिन एक सेकंड किसी की कॉल आ रही है। हेलो फ्रैंक, मेरे भाई मैं डोरीमोन बोल रहा हूँ। अरे नहीं, मैं नहीं मान सकता। अरे हाँ, मैं सच में डोरीमोन बोल रहा हूँ और मैं तुम्हारे घर पर रहने के लिए आ रहा हूँ, क्योंकि मेरे घर पर लड़ाई हो गई ना मेरे मम्मी पापा से, तो मैं आपके घर पर रुकने के लिए आ रहा हूँ। तुम मुझको एयरपोर्ट पर लेने के लिए आ जाना। ठीक है मेरे भाई डोरीमोन, मैं तुझको लेने के लिए आता हूँ। भाई हमारे घर पर डोरीमोन आने वाला है और हम तो यार बहुत ज़्यादा खुश हैं। हम तो फर्स्ट टाइम डोरीमोन से मिलने वाले हैं। तो यार चलो जल्दी से कपड़े चेंज कर लेते हैं और डोरीमोन को लेकर आते हैं एयरपोर्ट से। तो यहाँ पर हमें केवल अपने शर्ट को चेंज करना है, तो मैं यहाँ पर जल्दी से कर लेता हूँ फटाक से अपनी शर्ट को चेंज। कोई अच्छी सी शर्ट पहन के चलेंगे यार, नहीं तो यार डोरीमोन हमसे नाराज हो जाएगा। तो मैं वाली शर्ट को पहन लेता हूँ, अब चलते हैं यहाँ से। तो यहाँ से हम निकल पड़ते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर सामने यार हमने टीवी भी सब बंद कर ही दिया है। अब यहाँ से हम चलते हैं अपनी गाड़ी उठा कर सीधे एयरपोर्ट पर। तो हम जाएंगे अपनी थार से, रेड वाली। और हमारी थार भी ना यार थोड़ी ओल्ड मॉडल की है, तो यार इसे मैं मॉडिफाई भी करा दूंगा यार रास्ते में ही। और हम उधर से उधर एयरपोर्ट पर तो जाएंगे, तो रास्ते में हमारा मॉडिफाई शोरूम पड़ेगा, तो वहाँ पर इसको मॉडिफाई कराते हुए चले जाएंगे हम। तो यार अपने डोगी से भी कह देते हैं, हमारे घर पर डोरीमोन आने वाला है, तो चलो जल्दी से कह देते हैं। शेरू मैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ डोरीमोन को लेने के लिए, तो घर का ख्याल रखना। क्या मालिक डोरीमोन आ रहा है क्या हमसे मिलने के लिए? हाँ शेरू, हमसे मिलने के लिए आ रहा है वो। मालिक मेरी फोटो खींच देना डोरीमोन के साथ, और मैं फोटो को अपने घर के अंदर लगा लूंगा। ठीक है चल, एक फोटो खींचवा दूंगा मैं तेरा। और हाँ घर का ख्याल रखना, मैं जाता हूँ। ठीक है मालिक। चलो गाइस अब यहाँ से निकल पड़ते हैं जल्दी से, और हमें एयरपोर्ट पर पहुँचना है डोरीमोन के आने से पहले पहले। तो यहाँ से चलते हैं फुल स्पीड में, और यहाँ से हम निकालते हैं छोटे वाले गेट से। इससे लगता नहीं है हमारी थार निकल पाएगी, क्योंकि ये बड़ी है, तो ये देखो यहाँ पर अटक रही है। तो हम एक काम करते हैं, बड़े वाले गेट से ही लेके चलते हैं। ये छोटे वाले गेट से हम खाली बाइक की लेके जा सकते हैं। तो यहाँ से चलते हैं यार, आज सिटी में जाम लग रहा है मेरे को काफ़ी ज़्यादा। ये देखो यार साइड में एक बस खड़ी है और एक ट्रक वाला जा रहा है। यार आज तो यार काफ़ी ज़्यादा जाम है, तो यहाँ से निकल पड़ते हैं यार जल्दी से, यहीं तो यहाँ पर और ज़्यादा ट्रैफिक लग जाएगा। और ये बंदा कैसे जा रहा है यार, ये काफ़ी स्लो चल रहा था, इसीलिए मैंने गाइस इसको कुचल दिया यार। यहाँ पर ये पुलिस वाला भागता हुआ जा रहा है, और इसके चक्कर में यार हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। और यहाँ पे पुलिस वाला कैसे आ गया ये, इसको बताता हूँ यार उतर के मैं। इन पुलिस वालों ने सिटी में बहुत ज़्यादा परेशान करके रखा है मुझे, तो मैं एक काम करता हूँ यार, इन दोनों को यहाँ से ना इनका खेल ख़त्म कर देता हूँ। इन्होंने बहुत ज़्यादा कमीशन खा लिया शहर के अंदर। ये देखो इन दोनों के ना जेबें भरी पड़ी हैं अभी भी। और इन पुलिस वालों के पास ये तो बंदूकें हैंगी, लेकिन ये बेसबॉल से मुझे मार रहे हैं, जैसे मैं बेसबॉल से मरी जाऊँगा। तो मैंने पिस्टल निकाल ली है अपनी यार, अब ये नहीं बचेगा। एक को तो मैंने टपका दिया, इसके मत्थे मत्थे में मारता हूँ यहाँ पर जल्दी से। और चलते हैं यार, ये पुलिस वाले ना काफ़ी लेट करा देते हैं हमें। इसके केवल हमें एक गोली मारनी है। देखो जैसे मैंने इसके पैरों में एक गोली मारी, इसका काम हो चुका है। और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा शहर में ना परेशान करके रख रखा था, लोगों से पैसे ऐंठते थे ये चलान के नाम पर। तो मैंने इन दोनों को टपका दिया, अब यहाँ से निकल पड़ते हैं जल्दी से। अपने आगे शोरूम में इसको मॉडिफाई कर लेंगे, और वहाँ से एयरपोर्ट के लिए निकल जाएंगे हम डोरीमोन को पिक करने के लिए। तो यहाँ पर अपने आगे एक ट्रक जा रहा है, ट्रैक्टर ट्रॉली वाला आ रहा है। तो यहाँ पे एक छोटे से ड्रिफ्ट मार के दिखाता हूँ गाइस मैं आपको, ये देखो। अरे ड्रिफ्ट तो नहीं लगी यार, हमारी गाड़ी ठुक गई जाकर। तो कोई नहीं यार, छोटे मोटे एक्सीडेंट होते रहते हैं बड़े बड़े शहरों में। तो यहाँ से निकल पड़ते हैं जल्दी से। आगे ये शोरूम है रेड कलर का, तो इसके अंदर गाड़ी लगाते हैं। इसमें कोई पैसा उसे देना नहीं पड़ता हमें, क्योंकि हम फ्री में कर लेते हैं। चलो यार जल्दी से यहाँ से हराम दाब के यहाँ से निकल पड़ते हैं, मेरा मतलब है इसे मॉडिफाई करके चलते हैं यहाँ से। तो इसका कलर हम करने वाले हैं ग्रीन। तो यहाँ पर हम आते हैं ग्रीन कलर पे, इसके ऊपर लगाते हैं पहले ब्लू, ग्रीन पर आ गए हम, ग्रीन सही लग रहा है। इसके व्हील बड़े बड़े करते हैं हम, और इसके व्हील को कभी भी चेंज भी कर देते हैं। तो यहाँ पर हम वाले व्हील सिलेक्ट कर लेते हैं, ये सही लग रहे हैं। तो इसके व्हील का कलर भी चेंज कर देते हैं हम, व्हील का कलर कर दिया है। अब आ रही है इसके व्हील को बड़े करने की, तो यहाँ से हम इसको बड़े बड़े कर देते हैं। व्हील बड़े करने का फ़ायदा एक ये है, जैसे आपके सामने कोई पुलिस वाला आता तो आप इसको ऊपर चढ़ा के निकल पाओगे आसानी से। और सोकर आप लोग उठाने की गलती मत करना, नहीं तो आपकी गाड़ी चल नहीं पाएगी ठीक से। तो यहाँ पर अब बारी हम स्टिकर लगा लेते हैं इस पर। तो मैंने एक स्टिकर लगा दिया एक खोपड़ी वाला, दूसरे भी लगा चुके हैं हम। तो अब लगाते हैं इसके पीछे की तरफ, पीछे की तरफ खोपड़ी वाला लगाओ मैं, चलो जो सा अच्छा लगेगा वो लगा देते हैं। ये सही लग रहा है, ये सांड पांड क्या है पता नहीं। तो फाइनली हमारी गाड़ी हो चुकी है मॉडिफाई, इसका स्मोक का कलर चेंज भी कर दिया हमने।
तो यहाँ से जल्दी से निकल पड़ते हैं एयरपोर्ट की तरफ। और मैं आप लोगों को अपनी थार का लुक दिखा देता हूँ एक बार, और आप लोग कमेंट में जरूर बताना हमारी थार कैसी लग रही है और आपकी फेवरेट कार कौन सी है, आप लोग ये भी बताना कमेंट में। तो यहाँ से जल्दी से निकल पड़ते हैं, हम काफ़ी लेट भी हो चुके हैं एयरपोर्ट पर। डोरीमोन आने वाला होगा और यही रास्ता हमें एयरपोर्ट तक लेकर जाएगा, और इस रास्ते पर हमें काफ़ी ज़्यादा जाम भी देखने को मिल सकता है क्योंकि ये 4x4 लाइन है, तो इस पर जाम असकर कर लगता ही है। तो यहाँ से जल्दी से निकल पड़ते हैं, अभी तो खाली रास्ता है और एक ऑटो वाला जा रहा है, एक बस वाला जा रहा है। मैं सोचा मैं टक्कर उक्कर मारूँ, लेकिन मैं रहने देता हूँ, ये साइकिल वाला जा रहा है। और इसकी वजह से तो यार मैं अभी समंदर के अंदर चला जाता तो बच गए हम बाल बाल। तो अब हम ऐसी गलती नहीं करेंगे, हमेशा जल्दी से निकल पड़ते हैं। और यार डोरीमोन से हम यार फर्स्ट टाइम मिलने वाले हैं, मुझे तो थोड़ा सा डर सा लग रहा है यार उससे हम कैसे मिलेंगे, और उसने कहीं गैजेट वेजेट निकाल कर हमारे मार दिया तो फिर क्या होगा। तो चलो यार वो तो हमें मिलकर ही पता चलेगा डोरीमोन हमारे साथ कैसे व्यवहार करता है। तो यहाँ से जल्दी से निकल पड़ते हैं, हम एयरपोर्ट के पास पहुँच गए हैं, तो यहाँ से हमें लेफ्ट लेना है। और उसके बाद फाइनली हम पहुँच चुके हैं एयरपोर्ट पर, और अभी तक मुझे लगता है फ़्लाइट नहीं आई है, तो हम चलते हैं आगे की तरफ। आगे हम जो है अपनी गाड़ी को वहाँ पर पार्क कर देंगे, तो ये वेयर हाउस जो है इसके पास ही हम गाड़ी खड़ी कर देते हैं आराम से। कहाँ भाई आराम से भाई, यार ये गाड़ी का ना ब्रेक में थोड़ी दिक्कत आती है मारने में। तो यहाँ चलते हैं आगे की तरफ, देखते हैं वेयर हाउस में कोई है या नहीं है। यार अभी तो मुझे लगता नहीं है फ़्लाइट आई है, और यहाँ पर दूर दूर तक कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है ना इन वेयर हाउस में, मुझे लगता है कोई है। तो आगे की तरफ चलते हैं हम, यार पीछे वाला तो हमने चेक कर ही लिया है, तो इसमें देखते हैं कोई है या नहीं। यहाँ पर भी कोई नहीं है यार, और मुझे लगता है सामने कोई खड़ा है, कि उनके पास जाकर देखते हैं ये कौन है यार, यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर तो यार 3-4 जने लग रहे हैं मेरे को, लेकिन डोरीमोन यहाँ पर भी नहीं है। A few minutes later. हाय मेरे भाई डोरीमोन, सफर कैसा रहा? सफर तो ठीक रहा, लेकिन मेरा फोन खराब हो गया रास्ते में। चलो फिर घर चलते हैं, मैं तेरे को नया फोन दिला दूंगा। गाइस हम निकल पड़े हैं डोरीमोन को अपने घर को लेकर, और वीडियो आप लोगों को ज़्यादा भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।